आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। दोस्तों, आज से हम लोग सीटेट 2020 का जो जुलाई में पेपर होने वाला है उसका हम डिस्कशन आज से करेंगे दोस्तों। ठीक, अब देखिए आज से हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे। उसमें हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर। दोस्तों क्या बताएंगे आपसे, आपको प्रीवियस ईयर पेपर, आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर को करवाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर को हम एक महीने लगभग करवाएंगे, एक महीने डेढ़ में जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक प्रीवियस ईयर पेपर पूरा करवाएंगे। इसके बाद हम पढ़ाएंगे थियरी आपको दोस्तों, क्योंकि आपका पैडागोजी पोर्शन जो होता है दोस्तों, आपको थोड़ा सा बता देते हैं, जो पैडागोजी होता है, पैडागोजी GOGY पैडागोजी वाला पोर्शन होता है, यह आपका 75 नंबर तो आता है, आप लोग को पता होगा। अब 75 नंबर में हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो काफ़ी लगभग इसमें 75% 75 में से आपका 60 क्वेश्चन तो ऐसे आप कर लेंगे प्रीवियस ईयर पेपर से, और 75 बाकी बचे 75 क्वेश्चन में लगभग आप जो लोग 25-30 क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट करके आ जाते हैं। तो अगर आप यहाँ से देखें 60 और 30 90 क्वेश्चन तो आप यहीं से कर ले जा रहे हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को ठीक से पढ़ लेंगे तो आप 90 क्वेश्चन तो कर ले जाएंगे, मतलब 90 नंबर और 90 नंबर का आपका पासिंग मार्क है तो आप पास कर ले जाएंगे। इसके बाद हम थियरी पढ़ा देंगे, थियरी से भी आप काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इससे कुछ क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे और समझेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू इनकरेज कंसेप्चुअल डेवलपमेंट इन स्टूडेंट, मतलब बच्चों में कंसेप्ट अगर बनाना हो तो सबसे बढ़िया तरीका कौन सा होता है, अभी आपको हमको समझना है। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति के उपयोग के लिए प्रोत्साहन करना। गिव स्टूडेंट्स मल्टीपल एग्जाम्पल एंड इनक्रेज देम यूज रीजनिंग, उनको क्या करना है, बहुत से उदाहरण दो और उसको तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए अगर आप बोलेंगे तो उनका संप्रत्यात्मक मतलब कॉग्निटिव सॉरी कंसेप्चुअल डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं ना आप अपने भाषा में कहते हैं हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा हो रहा है। तो अगर बहुत से एग्जाम्पल करेंगे और उस पर जो है थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तर्क करेंगे, तो आपका जो है ये कंसेप्चुअल विकास डेवलपमेंट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, सही तो लग रहा है, लेकिन और देख लेते हैं, और ऑप्शन तो नहीं सही होंगे, तो हम देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा क्या है, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना, यूज पनिशमेंट टिल स्टूडेंट्स है मेड द रिक्वायर्ड कॉन्सेप्चुअल चेंजेस। अब देखिए क्या दिया गया है, जब तक वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए, मतलब जब तक लड़का एकदम सोच के ना बदले तब तक उसको दंड देते रहो, मतलब कितना उसको मारोगे भैया, उसको दंड देना ही नहीं है पहली बात, दंड देना अलाउ ही नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए क्या है, न्यू कॉन्सेप्ट से, देखिए यहाँ इन देख लेते हैं, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। क्या है, न्यू कॉन्सेप्ट नीड टू बी अंडरस्टूड ऑन दियर ओन विदाउट एनी रेफरेंसेज टू ओल्ड वंस, मतलब जैसे आपने कोई चीज़ सीखा, जैसे 2+2 सीखा बराबर 4, ये पुराना प्रत्यय आपको आ गया, अगर आप इसमें 4 में और 2 जोड़ना चाहेंगे तो जैसे इसको सीखें वैसे इसको भी सीख लेंगे, तो पुराने प्रत्यय से नया प्रत्यय आप सीख लेंगे। और अगर आप कोई तरीका कोई चीज़ ऐसा भी सीख रहे हैं तो मतलब आप अगर नया प्रत्यय कोई चीज़ सीख रहे हैं, देखिए यहाँ क्या दिया है कि नए प्रत्यय के बिना समझा जाना चाहिए पुराने प्रत्यय को, तो अगर आप नया प्रत्यय सीख रहे हैं तो कुछ ना कुछ पुराना प्रत्यय आपको लगेगा, मतलब अगर नया कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं तो पुराने कॉन्सेप्ट का कुछ ना कुछ उसमें योगदान रहेगा। और लेकिन यहाँ दिया है बिना, उसके बिना आप सीख सकते हैं, उसके बिना हम नहीं सीख सकते, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम देख लेते हैं चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन हमारा है, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। क्या है, रिप्लेस द स्टूडेंट्स इनकरेक्ट आइडियाज विद करेक्ट वंस आस्किंग देम टू मेमोराइज,
अब देखिए क्या करने के लिए बोला गया है, बच्चों को याद करने के लिए कहा गया है। याद करके क्या करेंगे, अब पहले आप कुछ चीज याद करेंगे करने के बाद आपका विचार बदलेगा, मतलब आपको तर्क शक्ति उस पर आ जाएगी, आपका नहीं हो पाएगा, मतलब आपके जो कंसेप्चुअल डेवलपमेंट हो जाएंगे संप्रत्यात्मक विकास याद करने पर नहीं होता है, उसको तर्क करने से होता है दोस्तों। तो तर्क करने वाला ऑप्शन हमारा देखेंगे तो हमारा इस प्रकार से ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन देखिए, तर्क शक्ति का उपयोग करके और बहुत से उदाहरणों का प्रयोग करके हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए, आइए एकदम आराम से हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को अगर समझ में आना चाहिए तो 2 मिनट लेट ही चाहिए, लेकिन आराम से पूरा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे, किस वातावरण भैया, प्राइमरी चिल्ड्रन स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एन एटमोसफियर, किस एटमॉस्फेयर में बच्चे सीखेंगे इफेक्टिवली सीखेंगे, देखिए लर्न इफेक्टिवली इन एटमॉस्फेयर, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। अब बताओ बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे और गणित सिखाओगे, मतलब उसको सामाजिक जीवन में कुछ नहीं, उसके उससे लेना देना नहीं है। वेयर द फोकस एंड स्ट्रेस आर ओनली द मास्टरिंग प्राइमरली कॉग्निटिव स्किल्स एंड रीडिंग एंड राइटिंग एंड मैथ, नहीं ये आपका नहीं सही हो, क्योंकि यहाँ पर पढ़ना लिखना के अलावा सामाजिक वातावरण में भी कुछ ना कुछ महत्व कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। देखिए यहाँ क्या है, मतलब इफेक्टिवली एटमॉस्फेयर क्या होना चाहिए, तो वहाँ पर ये नहीं होना चाहिए भैया थोड़ा सा पढ़ना लिखना बाहर सिर्फ मैथ सीख लो, नहीं और सब कुछ चीज़ें सीखना है। आगे देखिए सेकेंड वाला हमारा क्या है, वेयर द टीचर लीड्स ऑल द लर्निंग एंड एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू प्ले पैसिव रोल, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और शिक्षार्थियों से निष्क्रिय अपेक्षा करता है। अब देखिए क्या है, अब ये बताइए कि अगर इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे तो क्या ये सही होगा, ठीक। अब देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए टीचर है, जैसे आप टीचर बन गए, आप टीचर हैं, आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप एक्टिव हैं और आपके स्टूडेंट लोग सो रहे हैं, तो बढ़िया माहौल बन गया, तो बढ़िया वातावरण बन गया, नहीं एकदम बढ़िया नहीं सबसे खराब वातावरण ये बन गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद हमारा देखिए क्या है, तीसरा ऑप्शन, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए वेयर दियर इमोशनल नीड्स आर मेट एंड दे फील दे आर वैल्यूड, ये ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि देखिए आपका आपके जो है आपके इमोशनल की जो आवश्यकता है उसको लोग फील कर रहे हैं और उनको उसकी वैल्यू दे रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, देखिए सही हो सकता है। चौथा भी देख लेते हैं हमारा क्या है, जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी, भैया उसके पास अकेले अधिकार है, ठीक है, और यह स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, वेयर द टीचर इज अथॉरिटेटिव एंड क्लियरली डिक्टेट व्हाट शुड बी डन। अब देखिए क्या कहा गया है, जहां टीचर क्या है एक डिक्टेटर की तरह काम कर रहा है, तो टीचर का हमारा एकाधिकार वह टीचर पर नहीं होना चाहिए, इस समय क्या है बाल केंद्रित शिक्षा थी, हमारा ऑप्शन नहीं सही नहीं है, गलत होगा। अब देखिए हमारा पहला भी गलत हो गया, पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, चौथा गलत हो गया, तो हमारा तीसरा सही हो गया, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आइए देख लेते हैं आगे हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीन है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी, इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है, ए चाइल्ड सीज ए क्रो फ्लाइंग पास्ट इन द विंडो एंड सेज ए बर्ड, व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द चाइल्ड्स थिंकिंग, क्या क्या देता है दोस्तों, पहले बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, भैया पहले से उसके दिमाग में होता है ये पक्षी है, नहीं उसको भंडारित किया जाता है, चाइल्ड हैज प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरीज, नहीं पहले से नहीं भंडारित होता है,
बच्चे में पक्षी का संप्रत्यय विकसित हो चुका है। संप्रत्यय मीन्स क्या होता है, बच्चे में जो कॉन्सेप्ट है कि हमारी चिड़िया ऐसी होती हैं, वैसा अब उसको दिमाग में जो कॉन्सेप्ट बन चुका है, अगर बन चुका है तो वो पहचान लिया, तभी ना बोला ये पक्षी है। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए तीसरा, तीसरा हमारा, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। देखिए यहाँ क्या दिया है, टूल्स, टूल्स का विकास नहीं किया है भैया, ये गलत है, टूल्स का विकास तो होबे नहीं करता है, तो हमारा गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए गलत है, ए गलत हो गया, बी गलत, सी गलत हो गया, बी हमारा आप सी, देखिए बी हमारा ऑप्शन नंबर दो में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर दो सही हो गया। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार देखिए, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। What should a teacher tell her students to encourage them to do a task with intrinsic motivation? अब देखिए क्या करना है, उनको भीतरी प्रेरणा देना है। प्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक भीतरी प्रेरणा, एक बाहरी प्रेरणा। तो बाहरी प्रेरणा क्या होती है, जो किसी वस्तु को अगर दे दो, जैसे मान लो ये आप काम करो तो आपको ये चीज़ दिया जाएगा, तो बाहरी प्रेरणा हो जाती है। और भीतरी प्रेरणा क्या होती है, आप किसी को ऐसा कुछ, ऐसा कोई वाक्य कह दोगे जिससे वो अपने से उस कार्य को कर दे बिना कुछ मतलब बाहरी चीज़ लिए। अब देखिए पहला क्या है, पहला ऑप्शन, काम जल्दी पूरा करो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। अभी हमने बताया तो टॉफी हमारा क्या हो जाएगी, ये बाहरी प्रेरणा हो जाएगी, कंप्लीट द टास्क फास्ट एंड गेट ए टॉफी, हमारा बाहरी प्रेरणा हो जाएगी। आगे देखो दूसरा ऑप्शन, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, ट्राई टू डू इट यू विल लर्न। ये देखिए हमारा क्या कह रहा है, उसको कुछ चीज़ समझाया गया है और उसके अगर ये बात उसको समझ में आ गई होगी तो वो क्या करेगा, वो इंटरनली अब काम करेगा। ठीक है, दूसरा वाला हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, अब देखिए और दो ऑप्शन और बचे, उसको भी देख लेते हैं। दो ऑप्शन और बचे हमारा, तीसरा क्या है, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। भैया ऐसा तो हमको करना ही नहीं है, कम एंड फिनिश, कम ऑन फिनिश इट बिफोर सी डज, ये गलत हो जाएगा। चौथा, तुम उसके जैसे क्यों नहीं कर सकते, देखो उसे एकदम, उसने एकदम इसे ठीक कर दिया, ये भी गलत हो जाएगी, क्योंकि कंपेयर हम कभी नहीं करते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया, तीसरा चौथा गलत हो गया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, दूसरा। तो इसको उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन पर। देखिए हमारा पाँचवा क्वेश्चन क्या है, पाँचवा क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। क्या है, हाउ कैन ए टीचर इनकरेज हर स्टूडेंट्स टू बी इंट्रिंजिकली मोटिवेटेड टुवार्ड्स लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। मतलब क्या करना, कोई शिक्षिका है अपने विद्यार्थियों को आंतरिक रूप से उत्प्रेरक, आंतरिक रूप से क्या कर सकती है, उत्प्रेरित कैसे करेगी। अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारा है। ठीक है, अब देखिए, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने में, करने और उनमें निपुणता पाने में मदद देकर हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, बाय सपोर्टिंग इंडिविजुअल देम सेटिंग इंडिविजुअल गोल्स एंड देयर मिस्ट्री, ये हो सकता है दोस्तों, क्योंकि भैया वो प्रोत्साहित करना है, भैया आप ये कर सकते हैं, ये ऐसा कर सकते हैं, एक गोल बना देगी आप ये कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। दूसरा, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी, बिल्कुल गलत है। ठीक, तीसरा, उनमें डर पैदा करके, बिल्कुल गलत, भैया दबंगई से कोई काम नहीं होता है, प्यार से होता है, प्रतियोगात्मक, प्रतियोगितात्मक परीक्षा से, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। चौथा हमारा, दूसरा तीसरा चौथा गलत हो गया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में मदद देकर। ठीक दोस्तों, मतलब जैसे किसी को ये मनाए कि चीज़ आप पढ़ो तो हम इसको आपको पढ़ाएंगे और इसमें और अच्छा बना देंगे, तो वही हमारा हो गया व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित, एक एक लोग का एक एक लक्ष्य निर्धारित किया गया और उसको पाने में, देखो उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर के उनको उसको किया गया कि आपको हम सपोर्ट करेंगे, आप ये चीज़ करो। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर छः को हम देख लेते हैं, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा।
इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम एन इफेक्टिव टीचर शुड एम एट द स्टूडेंट्स टू बी मोटिवेटेड। अब देखिए एक प्रभावशाली शिक्षक कैसे उत्प्रेरित करेगा अपने बच्चों को। पहले दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें बिल्कुल गलत है। बाई यूजिंग पनिटिव मेजर सो दैट दे रिस्पेक्ट बिल्कुल गलत है। दूसरा ऐसे काम करने के लिए जिससे वे परीक्षा के अंत में अच्छे अंक पा सकें, भैया ये भी गलत है क्योंकि अंक पाने के लिए नहीं पढ़ना, सीखने के लिए पढ़ रहे हैं ना वो लोग। तो तीसरा हमारा देखिए ऑप्शन क्या है, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के ही लिए ही सीखना पसंद करें। टू लर्न सो दैट दे बिकम क्यूरियस एंड लव लर्निंग फॉर इट्स सेक, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं चौथा देख लेते हैं, टू रोट मेमोराइज सो दैट दे बिकम गुड रिकॉल, नहीं ये रट कर याद करना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सात को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सात हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है, मतलब किस में प्रभावशाली विद्यालय कौन सा विद्यालय है जो मतलब बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे रहा है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस। पहला व्यक्तिगत सापेक्ष इंडिविजुअल लर्निंग, दूसरा प्रतियोगात्मक कक्षा कंपटेटिव क्लासरूम, तीसरा निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन कांस्टेंट कंपटेटिव इवेल्युएशन, शारीरिक दंड कॉर्पोरल पनिशमेंट। दोस्तों अब देखिए शारीरिक दंड तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब देखिए प्रतियोगात्मक कक्षा ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो हमारा सातवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। ठीक आइए हम देख लेते हैं आगे आठ नंबर क्वेश्चन को। आठ नंबर क्वेश्चन क्या है, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि इस प्रकार आगे बढ़ता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। दोस्तों द सेफालोस्यूडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। अब देखिए क्या है, सिर से पैर की ओर विकास होता है, हेड टू टो विकास होता है, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, रूरल टू अर्बन, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक फंक्शंस, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, डिफरेंशिएटेड टू इंटीग्रेटेड फंक्शन। तो अब देखिए यहाँ देखा है सिरा है पदाभिमुख है, मतलब सिर से पैर की ओर हमारा हो जाएगा, सिर से पैर की ओर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों ये सब आ जाएंगे गलत। तो हमारा आठवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर पहला जो है सही है। आइए देख लेते हैं नौवां क्वेश्चन क्या है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। अब देखिए भाषा मतलब इसका मतलब ये इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि भाषा सबसे पहले किस में से मतलब सबसे जल्दी सबसे आसानी से भाषा किस अवस्था में सीखी जा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन नेसेसिटी पीरियड पे आप पार्टनिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, कौन सा, पहला वयस्क अवस्था, वयस्क अवस्था मतलब जब 30-24 साल के हो जाएं वयस्क हो जाएं तब, तो वयस्क अवस्था दोस्तों ये नहीं हो सकता है क्योंकि हम बाल विकास पढ़ने तो हम बाल्यावस्था के आसपास में पढ़ेंगे, एडल्टहुड नहीं हो सकता, अर्ली प्रारंभिक बचपन का समय, प्रारंभिक बचपन के समय में क्या आप जल्दी सीख सकते हैं, प्रारंभिक बचपन के समय हम बोल ही नहीं पाते, सीखना तो बातें छोड़ो, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा प्रीनेटल एज भैया संभावना ही गलत नहीं बनती, जन्म से पूर्व का हम बोलना सीख जाएंगे, नहीं सीख जाएंगे। मिडल चाइल्डहुड पीरियड हमारा मध्य बचपन का समय, ये हमारा ऑप्शन नंबर चार इसका सही हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन इसको आप अपने से भी कर लेंगे तो आसान क्वेश्चन था, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दस को। क्वेश्चन नंबर दस हमारा क्या है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं, बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया है। तो उसकी क्षमता मतलब उन दोनों के से मिलती जुलती कितनी है उसको हमको पता लगाना, उसकी क्षमता कैपेबिलिटी देखना क्या है, किस हिसाब से बनती है। तो देखिए क्या है, 6-year-old गर्ल शोज एक्सेप्शनल स्पोर्टिंग एबिलिटीज, बोथ ऑफ हर पेरेंट्स आर स्पोर्ट पर्सन,
send her for coaching every day and train her on weekends. Her capability are most likely to be the results of an interaction between. अब देखिए क्या है, उसकी क्षमता हमको देखना है। क्षमता किसकी क्या होगा, दो पे होंगे, या तो आप लोग पढ़े होंगे, या तो अनुवंशिक होगी और एक पर्यावरण पर होगी क्षमता। तो यहाँ देखिए स्वास्थ्य और प्रशिक्षण पर क्षमता नहीं होगी, अनुशासन और पौष्टिकता पर नहीं होगी, इस पर होगी लेकिन कम होगी। सबसे ज्यादा किस पर होगी, अनुवंशिक और पर्यावरण पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण गौड़वाहक हो सकते हैं। Which of the following are secondary agents of socialization? मतलब प्राइमरी एजेंट्स होता है सेकेंडरी एजेंट्स। प्राइमरी एजेंट्स में आप लोग समझ गए होंगे, प्राइमरी एजेंट्स में क्या होगा, आपके फैमिली होगी, फैमिली ने सिखाएगी पहले कि हाँ समाज में कैसे रहते हैं, कैसे क्या किसी से बात करते हैं, क्या करते हैं। तो पहला देखिए विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, स्कूल एंड इमीडिएट। देखिए फैमिली मेम्बर तो हमारा प्राइमरी हो गया, तो हमारा कट जाएगा, ये नहीं होगा पहला ऑप्शन। दूसरा फैमिली एंड रिलेटिव्स, ये भी कट जाएगा, परिवार और रिश्तेदार कट जाएगा। तीसरा परिवार और आस पड़ोस, तो फैमिली इसमें भी फैमिली कट जाएगी। अब देखिए चौथा ऑप्शन सिर्फ एक मिल रहा है, क्या है, विद्यालय और नेबरहुड, विद्यालय और पास पड़ोस, स्कूल एंड नेबरहुड, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। दोस्तों ये आप लोग इसको समझ गए होंगे, ये बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था, इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आराम से कर ले जाएंगे। आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, लियो वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। अकॉर्डिंग टू लियो वाइगोत्स्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, मानसिक प्ररूपों स्कीमाज का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमाज, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, स्टिमुलस रिस्पांस पेयरिंग, संतुलन इक्विलिब्रेशन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया सोशल इंटरेक्शन। अब अगर लेव वाइगोत्स्की का देखेंगे संज्ञानात्मक विकास, तो ये किस पर ज़्यादा जोर दिए हैं, ये दिए हैं सामाजिक अन्योन्य प्रक्रिया, सामाजिक अन्योन्य क्रिया को जिसको कहते हैं सोशल इंटरेक्शन पर ये ज़्यादा फोकस किए हैं, अपना थियरी ज़्यादा दिए हैं। ठीक, अब देखिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तेरह हमारा क्या है, किसी बच्चे को का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क सोपानों के की किस विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। देखिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मोरल रीजनिंग अंडर विच स्टेज वुड द गिवन टिपिकल रिस्पांस ऑफ ए चाइल्ड फॉल, क्या कहा है। देखिए यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। Your parents will be proud of you if you are honest, so you should be honest. मतलब ये कहा गया किसी ने किसी बच्चे से कहा, अब बच्चा क्या करेगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा लड़की लड़का अनुकूलन, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, कानून व्यवस्था अनुकूलन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो अच्छा लड़का अच्छा लड़की अनुकूलन तो नहीं होगा, ठीक, कानून का भी नहीं होगा, दंड संहिता का नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, सामाजिक संकुचन का अनुकूलन। मतलब जो है अगर आप ईमानदार होंगे तो आप समाज में बिना भय के रह सकते हैं। मतलब आप लोग समझ गए इसका, ठीक है, इसका कहने का मतलब आप लोग समझ गए क्या है, क्या कह रहा है सेंटेंस में और इसका आंसर क्यों ये हुआ। ठीक, आगे आप लोग देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग, क्या हो सकता है, ईश्वरीय न्याय में विश्वास बिल्कुल गलत है, बिलीफ इन इमिनेंट इनजस्टिस गलत है, शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्वरण। अब देखिए ये सही हो सकता है, देखते हैं थोड़ा सा, ये हो सकता है सही। तीसरा देख लेते हैं, शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ये भी हो सकता है दोस्तों। ठीक, अब देखिए वयस्कों का के व्यवहार का अवलोकन, ऑब्जर्विंग ऑफ द बिहेवियर ऑफ एडल्ट, ये गलत हो जाएगा चौथा। अब देखिए दोनों हमारा ऑप्शन 2 और 3 फंस गया। अब देखिए 2 और 3 में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हमारा स्टेटमेंट होगा वो हमारा सही होगा।
बच्चे को और माता पिता द्वारा पुनर्वरण करने पर बच्चा पढ़ेगा, पढ़ेगा तो जरूर ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा आपको दिखा रहा है शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण के सक्रिय खोजबीन, मतलब वो अपने से मेहनत से बड़ा खोजबीन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थ्री जो है 14 का ऑप्शन नंबर थ्री जो है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू नहीं होगा। तो कभी कभी अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो थोड़ा सा अपना सेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल कर देंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए आगे 15 नंबर, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है, इन दो संक्रियाओं को प्रक्रियाओं को जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्कीमा बिल्डिंग अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्टिंग स्कीमाज एंड बाई मॉडिफाइंग ओल्ड स्कीमाज एज पर न्यू इन्फॉर्मेशन दिस टू प्रोसेस इज नोन एज। इसका मतलब देखिए हम बताते हैं, इसका मतलब ये होता है जैसे आपने कोई वस्तु देखा ठीक है, कोई वस्तु देखा और उसके बारे में आप जानकारी ले लिए और किसी ने उसका नाम आपको गलत बता दिया। मान लो इतना बड़ा आपने देखा ठीक है, ये देखा गेंद देखा और किसी ने बोल दिया ये फुटबॉल है, इसने आपका नाम बता दिया फुटबॉल, तो आप जब दोबारा इसको देखेंगे तो बोलेंगे ये फुटबॉल, लेकिन फिर आपको किसी ने कहा ये गेंद है। तो पहले जो आप किए हैं इसको समावेशन कहते हैं, मतलब इस गेंद के इसका नाम अपने दिमाग में रख लिए, फिर इसको जब चेंज करके इसका नाम रखिए जो है इसका नाम क्या है गेंद है, तो ये आपका समायोजन हो जाएगा। इसको कहते हैं एसिमिलेशन। देखिए एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन ये आप पढ़ेंगे जब जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे, तो एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन समावेशन और समायोजन के सिद्धांत आप पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस 15 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन को कल प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों इसको आप लोग रिवीजन आज से शुरुआत कर लीजिए पढ़ना धीरे धीरे, क्योंकि अगर आज से हम पढ़ेंगे तो लगभग हमारे पास काफ़ी समय मिल जाएंगे और हमारा 130 का टारगेट जो है 130 प्लस का टारगेट हमने बनाया है वो टारगेट आराम से अचीव हो जाएगा दोस्तों, अगर आप लोग अभी से पढ़ना शुरू करें। बस इतना जितना हम पढ़ा रहे बस उतना पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा अपने से थोड़ा सा मेहनत करते रहिए, आपका अच्छे से निकल जाएगा सीटेट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं दोस्तों। अगर आपका यूपीटेट नहीं क्लियर हुआ है तो आप टेंशन मत लीजिए, बस चुप मार के आप तैयारी करते रहिए, ज़्यादा हो हल्ला मत करिए, बस शांति से पढ़िए, ज़्यादा यूट्यूब चैनल के चक्कर मत पड़िए, कुछ ही वीडियो देखिए बस कम से कम देखिए, और इसके बाद जितना देखिए उतना रिवीजन जरूर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।